दोस्तों, और हम जो है उठ गए हैं, नींद पूरी हो गई है और आपको बहुत अच्छी नींद आई थी। बहुत बड़ी दिन, ठंड बहुत है और बिस्तर में भी लेटे हुए हैं। और आज का जो हमारा ट्रिप है घूमने का है, वो है माँ दुर्गागिरी मंदिर जोरहाट में, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में ये पड़ता है। और आज वहाँ चलेंगे और फिर मनसा देवी, समय मिलेगा तो मनसा देवी और पांडुखोली, और सुबह बिनसर महादेव। देखो, तो जहाँ जहाँ समय मिलता है वैसे वैसे आपको जो है सभी मंदिरों को दर्शन कर पाएंगे। और हमारी माता श्री, छोटी सारी जी, हमारी पापा जी और हमारे रुद्रांश बैठे हुए हैं, और वीडियो साथ जुड़े रहे। मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, अब हम लोग जो है चल रहे हैं सीधा जोरहाट की तरफ और माँ जूनागढ़ी मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए। और मेरे साथ जो है मेरी साली साहिबा तन्नू जी बैठी, तन्नू बिष्ट, वैशाली बिष्ट, और हमारी लाइफ पार्टनर अंकिता बिष्ट, और हमारा पुत्र ठाकुर रुद्रांश बिष्ट, वो सो रखा है। जैसे ही गाड़ी चलती है तो रुद्रांश क्या सो जाता है, उसका वो पेट है। और बहुत जल्दी जो है हम आपको माँ के दर्शन करवाएंगे, तब तक वीडियो से बने रहे। गाइस, जय माता दी। हम पहुँच गए हैं माँ दुर्गागिरी मंदिर में, जो है हम चढ़ रहे हैं और हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। जय माँ दुर्गागिरी। दर्शन हो गए माता जी के। आगे रुद्रांश की मम्मी, रुद्रांश की नाना जी, रुद्रांश की नानी जी, सब लोग चल रहे हैं। ये अंकी, रोहन, हमें दोनों सालियाँ चल लो। गाइस, आपको जो है ऊपर दर्शन करवाएंगे माता जी के। और मज़ा आ रहा है और खुशी हो रही है कि आज परिवार के साथ जो है हम लोग दर्शन करने आ रखे हैं माता जी के। जय माँ दुर्गागिरी। नानी जी गोद में, रुद्दू जय कर दो, जय, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तू जय कर दो, जय जय माता दी। हम पहुँच गए माँ दुर्गा के मंदिर में और रुद्रांश के मामा, रुद्रांश की नानी जी, उनके पापा सब पहुँच गए हैं, पर दो जो है जवान हमारे और पीछे रह गए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है। ये देखो, ये भी आ गए, दो जवान और आ चुके हैं, तो तीन जवान आ गए हैं। तीनों जवान पहुंच गए यहाँ पे। रुद्रांश बहुत खुश हो गया है और अब आगे पड़ाव जो है फिर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको माता जी के दर्शन जो है कराएंगे। और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वीडियो साथ जुड़ते रहें। जय माँ दुर्गागिरी। ये यहाँ के बांस के पेड़ हैं, देखो घना जंगल, बांस जगह कितना अच्छा जंगल है। अरे जयकारा मार दो भैया। जय माँ दुर्गागिरी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, से बोलो सारे बोलो, आगे बोलो, पीछे से बोलो, तेज से बोलो, तेज से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। हम लोग वाइस पहुंच गए माता का, ये दरबार में पहुंच गए माता जी के। जय माता दी। ये माता माँ दुर्गा माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ दुर्गा। यहाँ से माता जी की आरती होती है, आज पूरा परिवार जो है पहुंचे हुए हमारे। को भी लगा दूँ कैसे उठाऊँ? मैं जय माता दी। चलो गिरो
गिरो गिरो गिरो गिरो नीचे। दोस्तों हम लोग दर्शन कर दिए हैं माँ दुनेरी के, और अब जो है हम लोग थोड़ा यहाँ धूप सेक रहे हैं, बहुत ही प्यारा मौसम। और खत्म, जय माँ दुनेरी। माँ आप सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण करेगी। जय माँ दुनेरी। यहाँ का भव्य मंदिर है माता जी के। जय मेरे परिवार, सब यहाँ पहुँचे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए माता जी के। जय करा शेरा वालिदा, वो सच्चे दरबार की जय। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं माँ दुनेरी के मंदिर में जाके झूला झूल रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ करो, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ जल्दी यहाँ देखो, ये गाइस फाइनली हम लोगों ने जो है माँ दुनेरी के दर्शन कर लिए हैं, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माता जी के। और अब लोग जो है हम लोग सीधा जा रहे हैं नीचे तरफ, और वहाँ कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह से हम लोग भूखे थे और कुछ खाया नहीं था, सभी जो है भूख के मारे बहुत सबके हाथ टाइट हो रखी है। सफ़र बहुत लंबा था, बहुत ही लंबा, और वहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लग गया, दो घंटे के लग चुके हैं हम लोगों को यहाँ आने में, क्योंकि माँ के दर्शन करने थे इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए माता जी के, और सभी से यही है कि जब भी आप उत्तराखंड आते हैं तो एक बार माँ दुनेरी के दर्शन करने जरूर आएँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार माँ दुनेरी आप दर्शन जरूर करें। ये डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा पड़ता है, द्रोहाट क्षेत्र में है, तो यहाँ पर जरूर आएँ और माँ दुनेरी की जो है दर्शन करें। सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, पूर्ण करती है, और सच्चाई है। अगर अच्छे सच्चे दिल से सच्चे मन से आ रहे हैं तो सारी आपकी इच्छाएं जो है, सबकी आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। ये यहाँ की जो है आस्था है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाह वाह, आके दर्शन करके हम लोग बैठे रेस्टोरेंट में, और हम लोग जो है कुछ खा रहे हैं, समोसे मैगी चाउमीन वगैरह वगैरह। कैसे बोल रही है, इसमें 10 बार मोमोज खा लिए। घंटी बजा गए, पहनो घंटी बजा। दोस्तों मैं अभी जो हूँ द्रोहाट में ही हूँ, और यहाँ पे हिलांस आउटलेट मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, और हिलांस वालों ने जो है अपना पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रचार कर रखा है, पूरा प्रचार हिलांस वालों का। आपको दिखाता हूँ, आपको रूबरू करवाता हूँ वीडियो में। हिलांस आउटलेट के बीन्स है, चना है, और सोयाबीन है। गाइस अब हम चल रहे हैं द्रोहाट से थोड़ा आगे गांव पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है,
आपका गाँव का सुमर कौन सा पड़ता है? दीदी मम्मी बुला गाइस। और अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये है हमारा पहाड़ी किचन, ये है हमारा पहाड़ी किचन पूरा पर जो खाना बनता है। और ये हमारा पहाड़ी किचन, देखो आपने दिल्ली शहर में देखा होगा कि हम किचन प्रॉपर किचन बनता है, ठीक है, उसमें स्लेव लेव ये सब होता है। ये है पहाड़ी किचन, देखो यहाँ किचन जो होता है घर से जो होता है थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब आंगन जो है ना आंगन थोड़ा अलग होता है, जिससे कि एक अलग ही उसका जो है ना एक क्या बोलते उसको महत्व है उसका। बाथरूम भी जो हमारे यहाँ के रूम के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, आग में बाहर होता है, उसका भी अलग जो इसका एक महत्व है कि क्यों बनता है बाहर, है ना। तो ये देखो ये प्रॉपर लकड़ी से जल रही है, वो तौल है, तौल तौल वो तांबा जो है, वो तांबा बोल तांबा बोलते हैं उसका, उसका तौल है वो तौल तौल यहाँ तांबा, हाँ वही है। ये देखो मतलब ये देखो किचन एक अलग ही क्या बोलते आपको, मेरे शब्द नहीं बोलने के लिए, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है। ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे शब्दी भी हैं, हमारे चाचा जी भी है, और चूल्हे की रोटी दादा और चूल्हे की गरम गरम रोटी, ये हमारे बड़े चाचा जी हैं, इसी चूल्हे की गरम गरम रोटियां। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये है चूल्हा रोट, चूल्हा रोट कौन पहाड़ी है तो खाने का जो मजा है ना कसम से वो अलग ही है। थोड़ा हम लोग करते हैं, कभी आओ उत्तराखंड में। ये हमारे चाचा जी है, बहुत ही सज्जन आदमी है, बड़े चाचा जी हमारे, हमारा समझी है इसको, बहुत सज्जन आदमी है, बहुत ही सज्जन आदमी है, कभी आओ उत्तराखंड में। और मैं सभी मेरे सब्सक्राइबर से मैं रिक्वेस्ट है कि यार आप हमें से ना साल में एक बार जो उत्तराखंड जरूर आए घूमने के लिए, आपके कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड सर्कल हो वहाँ पे जरूर आए, उनका बैठने के लिए जरूर आए एक बार मेरे डालो। हाँ कुछ दिन गुजारी गुजारिए उत्तराखंड में, हाँ अपने देवभूमि उत्तराखंड में कुछ दिन गुजारे, यहाँ की जो माटी खुशबू है ना उसकी फील जो है आप लीजिए, यहाँ का वातावरण जो है, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है ना उसका फील आप लीजिए। वास्तव में आपको जो अंदर से जबकि हम जो दिल्ली शहर में रहते हैं हमें खांसी वासी जो होती है ना यहाँ का सब खत्म हो जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ का जो है वो है, सभी जो है जरूर आए। ये है खाना, ये है ताकत उत्तराखंड की, उत्तराखंड की रोटी में, उत्तराखंड की सब्जी में ये ताकत है, ये इंजेक्शन वाले सब्जियां नहीं है, ये नेचुरल सब्जियां हैं, ताजी खेत से निकली हुई नेचुरल। हेलो गाइस, और रात के जो है 2:30 बज रहे हैं अभी इस वक्त, और हम लोग जो है सब जंगल में हैं, और जंगल जा रहे हैं इस समय हम लोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में जो है इस वक्त जो है जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें सूंगरों ने ऐसा जो सूंगर होते हैं जंगली सूंगर होते हैं उनने पूरा तबाही मचा रखी है, इसमें पूरा खेती जो है तबाह करते हैं। हमारे किसान जो है हमारे पहाड़ी समाज के जो हमारे किसान हैं उन इतनी मेहनत करते हैं और उनका मेहनत का फल जो उनको मिलता है सिर्फ क्या कि जो जंगली सूंगर होते हैं वो उनकी खेती पूरा उजाड़ देते हैं, मतलब पूरा बंजर खेती करते हैं, अपने जो उनके सूंट होते हैं यहाँ से सिंग होती है उससे पूरा खेत जो है जोत देते हैं, मतलब हल हल होता है हल उसे फुल जोत देते हैं, तो उनका पूरा अनाज अनाज जो भी होता है सब खत्म हो जाता है। तो उसमें हम चार लोग जो हैं चार भाई लोग जो हैं उनको हम उनको खदेड़ने, मतलब कि उनको भगाने के लिए हम लोग यहाँ जंगल में जा रहे हैं, हमारे जो खेत है वहाँ जा रहे हैं। डंडा कहाँ है? तो लाइट तो है नहीं यहाँ पे, इस वक्त जंगलों में लाइट नहीं होती है, अगर थोड़ा लगेगा तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो जंगली जो जानवर उनको हम भगा रहे हैं। बाकी जो है हम सभी से रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड जो प्लान है उसे ख़त्म करें, ठीक है, और जितने हमारे देवभूमि के युवाएं हैं जितने भी हैं जो दिल्ली में शहर में या कई बाहर से रह रहे हैं अपने उत्तराखंड में आएँ, यहाँ रोजगार बढ़ाएं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को मालूम चले उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या परंपरा है, क्या संस्कृति, क्या वेशभूषा है, हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मालूम चले, बच्चों को मालूम चले, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको मालूम चलना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ सुअर नहीं आते हैं, यहाँ पे बाघ भी आता है, बाघ है, भालू है, बहुत चीज़ें, ये हाथी छोड़ के कि ये हिल एरिया हाथी नहीं आता, बाकी तुम्हारे जितने जानवर उत्तराखंड के अंदर होते हैं सारे सारे बाघ भालू बंदर जंगली भी आती है, इतनी तबाही मचा रखी है इस समय हमारे उत्तराखंड में कि किसान कर तो करे क्या, किसान खेती देखे या अपने घर बार देखे, इतनी दिन भर इतनी मेहनत करता है, रात को जब सुबह उठता है देखता है पूरा खेत जोत रखा है, पूरा खेत में सूरों ने जो जंगली सूरों ने हल बार रखा है, तो कहाँ तक अपने बच्चों को पाल पाएंगे,
तो हम जो युवाएं हैं इस वक्त जंगल में जा रहे हैं और उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अगर लगेगा वहाँ लाइट हमारी सुविधा मिल रही है तो हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो देखते रहें गाइस, हमने सुअर जो भगा दिए हैं इतनी बहुत सुविधा मिल नहीं पाई क्योंकि हम काम में थे, व्यस्त हो गए भगाने में कि हम वीडियो बना नहीं पाए, और हम थोड़ा मस्ती कर रहे हैं क्योंकि हम सुअर भगा दिए हैं, 6-7 सुअर थे भगा दिए हैं, मस्ती करेंगे। अरे मस्त मजी फूल हो गए लगे, 3:30 बज चुके हैं। लव यू ऑल, गुड नाइट। वीडियो आगे देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को।